हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव सपलियाल अ फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशन एडवाइज़र। गाइस, जो हमारा आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन प्रॉब्लम है सोसाइटी की। आज हम लोग डायबिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। डायबिटीज़, जिसे इंडिया में शुगर या मधुमेह के नाम से जाना जाता है, हर 5 में से 2 लोगों को इंडिया के अंदर डायबिटीज़ है। गाइस, डायबिटीज़ के अंदर जो आपका ब्लड है उसमें ग्लूकोज जो लेवल है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और वो इसलिए होता है बिकॉज जो आपका इंसुलिन है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा होता। जो लोग डायबिटिक नहीं भी हैं, जो अपनी रेगुलर डाइट में वाइट फ्लोर, वाइट राइस, रिफाइंड शुगर्स एंड बहुत ज़्यादा अलग तरीके से पेस्ट्रीज, बेकरी के प्रोडक्ट खाते हैं, वो पहले प्री डायबिटिक होते हैं और आने वाले टाइम पर डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाते हैं। फ्रेंड्स, आज का डायबिटीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। करेक्ट, आज के डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। आज के टाइम में बहुत ही छोटी एज में लोग डायबिटिक हो रहे हैं, यानी कि अगर आप 28-30 के अंदर डायबिटिक पेशेंट बनते हैं तो आपका आने वाला बेबी वो भी डायबिटीज़ ही पैदा होगा। ऐसा क्या करें कि आप अपनी आने वाली जनरेशन को डायबिटीज़ होने से बचा सकें एंड खुद भी आपका डायबिटिक कंट्रोल में आ जाए या रिड्यूस हो जाए। मैं गौरव थपलियाल आज आपके साथ शेयर करूँगा वो न्यूट्रिशन जिससे आप अपने डायबिटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं एंड अपने आने वाली जनरेशन को डायबिटिक होने से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा कि डायबिटिक पेशेंट्स को कौन से फूड इंक्लूड करने चाहिए अपनी डाइट्स में एंड कौन से फूड्स अवॉइड करने चाहिए अपनी रेगुलर मील से। पर फूड लिस्ट शेयर करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक चीज़ समझें कि यूजली डाइट 80% होती है, बट डायबिटीज पेशेंट्स के साथ एक्सरसाइज एंड डाइट बहुत नीड्स 100%। आपके न्यूट्रिशन के लिए भी 100% चाहिए एंड आपकी एक्सरसाइज को भी 100% चाहिए। इसका रीज़न होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो एक्सरसाइज है, जो वर्कआउट है, वो बॉडी में से ग्लूकोज उसको बर्न करता है एंड डायबिटिक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने की मात्रा से आप डायबिटिक पेशेंट बनते हैं। हमें इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर, जो हमारे ब्लड में स्टोर ग्लूकोज है, हम उसको बर्न करें ताकि जो हम और दूसरे फूड्स खा रहे हैं और उसमें हम बिना शुगर वाला फूड खा रहे हैं तो हम उससे अपनी डायबिटीज़ को रिड्यूस कर सकें। फ्रेंड्स, जो फूड आपने अवॉइड करने हैं अपनी डाइट से वो है बनाना, मेलन्स, एप्रिकॉट, रेजेंस, ब्लेंडेड कॉफ़ी, आपका रेड मीट जिसमें आपका मटन, पॉर्क, बीफ आता है, उसके अलावा वाइट फ्लोर जिसे आप मैदा कहते हैं आपने वो अवॉइड करना है, उसके अलावा आपका रिफाइंड सेरल्स जो आप मार्केट से डब्बा बैग खरीदते हैं वेट लॉस के लिए आपने, या फिर ब्रेकफास्ट के लिए आपने उसे अवॉइड करना है। ये सब आपने अवॉइड करना है फ्रेंड्स। वाइट ब्रेड, स्टार्ची राइस जिसे आप वाइट राइस कहते हैं, आपको वो भी नहीं खाने हैं। एंड जो फूड्स आपने इंक्लूड करने हैं अपने डाइट में वो है आपका होल व्हीट फ्लोर। जी फ्रेंड्स, होल व्हीट फ्लोर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मिलेट फ्लोर जिसमें बाजरा, ज्वार होता है, उसका आप फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पल्सेस, बीन्स जो आपकी किडनी बीन्स होती हैं वो अपनी आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ग्रीन बीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दूसरी वेजिटेबल्स, आपका दूसरी पल्सेस, ठीक है, और फिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अपनी डाइट में रखना चाहिए। नट्स, आप नट्स ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें कम से कम फैट वाला डेयरी प्रोडक्ट आप लोग यूज़ करेंगे बिकॉज उसके अंदर सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है रेदर देन गुड फैट्स। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि कौन से फूड्स आपको अवॉइड करने हैं एंड कौन से फूड्स आपको इंक्लूड करने हैं अपने रेगुलर मील्स में। अब मैं आपके साथ मेन जो प्लान है, जो मेन डाइट है जो आप रेगुलर खा सकते हैं वो आपको बताऊँगा, तो वो आपकी स्क्रीन पर है। प्लीज़ उसे ध्यान से देखिए, उसे लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, नोटबुक में, डायरी में, जिसमें भी आप लिख सकते हैं उसे लिख लीजिए और उसे रेगुलर इंक्लूड करिए, खाइए, सो दैट आपका जो डायबिटिक है, जो डायबिटीज़ आपको है वो रिड्यूस हो एंड आपकी आने वाली जनरेशन को डायबिटीज़ ना हो। Thank you.
सो फ्रेंड्स, आपने अपना देख लिया होगा जो डाइट हमने आपके स्क्रीन पे दी है, आपने पढ़ ली होगी, नोट कर ली होगी, आई होप सो। फ्रेंड्स, जो भी डाइट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सब ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड है, हमने प्रैक्टिकल्स उसमें रिजल्ट्स गेट करे हैं इन 6-8 सालों में, उसके बाद आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो प्लीज़ इस डाइट को रेगुलरली फॉलो करें ताकि जो बीमारी से, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है डायबिटीज़ जिसको आप फेस कर रहे हैं, उससे आप ठीक हो सकें एंड अपनी आने वाली जनरेशन को बचा सकें। एंड प्लीज़ इसको फॉलो करिए एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो सो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी लोग जिनको डायबिटीज़ है वो लोग इस डाइट को फॉलो कर सकें एंड जो मेडिसिंस वो रेगुलर ले रहे हैं उससे बच सकें। बिकॉज फ्रेंड्स, मेडिसिन इलाज नहीं है, आपकी डाइट, आपका वर्कआउट हर चीज़ का इलाज है। आप मेडिसिन खाते रहेंगे साल बर्बाद करेंगे, उससे बेटर है कि कुछ साल आप एक अच्छी डाइट फॉलो करें एंड उसके बाद हर मील को इंजॉय कर सकें। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, कोई बीमारी या ऐसी बीमारी नहीं है कि जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी अगर आपने अपना न्यूट्रिशन सही नहीं किया। अगर आपका न्यूट्रिशन सही हो जाता है तो बहुत जल्दी आप इसको रिड्यूस कर सकेंगे एंड हर तरह का खाना बीबी को एंजॉय कर सकेंगे। बाय बाय, जय हिंद।